हाँ जी 13-14 नवंबर 2022 का दिन है। अपने जिहड़ी वीडियो रह गई सी आपां उन्हां नूं बनाना है ते खत्म करना है। 2 या 3 या 4 वीडियो बना देंगे आपां। ये आधे घंटे के सफर विच है। आपां शुरू करना चाहते हैं जिहड़ा इस साल का सब तो गंदा चीज होया वर्ल्ड कप दे विच। इस पिछले हफ्ते जिहड़ा होया अफरीका बार हुई है, क्या कुछ सीखण नूं मिले आपां नूं अफरीका ते नैदरलैंड दे मैच तो जो अफरीका बार हो गई है। ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਰਨ ਬਣਾਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਰਨ ਬਣਾਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਰਨ ਬਣ ਗਏ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 160-150 ਰਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੀਕੋਕ ਰਨ ਮਾਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ रन बन भी रहे थे, मकरम बना रहा था, बबूमा मार रहा था, बट समहाउ वो ढेर हो गए। आखिरी 5 और 50 रन रह गए थे और वो बना नहीं पाए और साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हार गई। लर्निंग पॉइंट क्या है यहां से? लर्निंग पॉइंट 1, मान गए आप कॉम्पिटिटिव हो, आपके पास एज है, आप दूसरी टीम से तगड़े हो, बट ऑन डैट पर्टिकुलर टाइम 3-4 घंटे के फ्रेम के अंदर कुछ भी हो सकता है, आप हार सकते हो। आपको उन 3-4 घंटे में अपना बेस्ट देना ही देना है। और जो हम हिंदी फिल्मों से सीखे हैं, क्या सीखे हिंदी फिल्मों से, बॉलीवुड फिल्मों से, उसमें क्या कमी होती है कि वो लोग विलन को मारते नहीं है, उसको तड़पा के छोड़ देते हैं कि जा माफ किया तुझे। नेवर डू डैट इन लाइफ। अगर आपके अंदर कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसे वहीं खत्म कर दो, उसे बढ़ने ही मत दो। इसके ऊपर मैंने यार संदीप महेश्वरी की एक वीडियो आ रही थी, उसमें एक स्टोरी थी, उसको शेयर करना चाहूंगा कि गुरु और शिष्य दोनों जा रहे होते हैं जंगल में, तो रास्ते में ना एक पौधा दिखता है पॉइजन वाला, तो गुरु उसको बोलता है अपने शिष्य को इसको उड़ा दो, तो वह एक हाथ से उखाड़ देता है। थोड़ी आगे जाते हैं तो थोड़ा बड़ा पौधा दिखता है, गुरु बोलता है शिष्य को इसे उखाड़ दो, तो वो उसे भी उखाड़ देता है। थोड़ी और आगे जाते हैं तो एक 3 फुट का पौधा दिखता है, गुरु बोलता है शिष्य को कि इसे उखाड़ दो, तो वो उसे भी उखाड़ देता है थोड़ी मेहनत के साथ। थोड़ा दूर आगे वो जाते हैं तो आप एक पौधा दिखता है जो है 15 फुट का, गुरु कहता है शिष्य को कैसे उखाड़ दो, शिष्य कहता है कि कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, मैं कहां से 15 फुट का पेड़ उखाड़ सकता हूं। लर्निंग पॉइंट यहां से यही है कि भैया आदतें, बीमारियां, कुरीतियां जितनी छोटी हो उसी स्टेज पे खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, अगर वो बढ़ गई ना तो वो खत्म नहीं हो पाएंगी, आप खत्म हो जाओगे। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव हो, आप तगड़े हो, तो आपको वो करना भी जरूरी है। तो साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड के अंदर जो ये हरकत हुई है कि साउथ अफ्रीका हारा और पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया, फाइनल में भी आया, तो सबसे बड़ी चोकर जो है साउथ अफ्रीका है, नॉट जस्ट बिकॉज कि उन्होंने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में आ गए, बट ऑल्सो कि वो खुद नहीं आ पाई। अच्छी टीम थी, एक सेमीफाइनल जीतना था, फाइनल में पहुंच जाती, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस पॉइंट पे। तो क्या करना चाहिए उस पॉइंट पे उनको? तो उस पॉइंट पे उनको क्या करना चाहिए था? उनको 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 बढ़िया खेलना चाहिए था, टीम में आने ही नहीं देना चाहिए था। सो इसी मैच में अगर हम इंग्लैंड आयरलैंड की बात करते हैं तो वो भी ऐसा ही हुआ था। आयरलैंड ने बहुत सारे रन मार दिए थे और जब इंग्लैंड की बारी आई, इंग्लैंड की स्टार्ट थोड़ी स्लो हो गई, अदरवाइज जो बटर और हेल्स है ना वो 2 मिनट में मैच खत्म कर दें, बट वो उस पॉइंट पे नहीं कर पाए और बारिश भी आ गई, अदरवाइज इंग्लैंड वो वाला मैच भी जीत जाता। इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में अनबीटेबल रहा था, हर मैच जीता, वो सिर्फ आयरलैंड से हारा है और वो भी DRS के चक्कर में है, DRS या DLS जो भी बोलते हैं। तो जो चीजें अपने हाथ में नहीं है तो अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए रेडी रह के काम करना चाहिए था। तो ये इस वीडियो में अपने अफ्रीका वर्सेज नेदरलैंड और इंग्लैंड वर्सेज आयरलैंड की बात की है। स्टे ब्लेस्ड।